वेलकम टू माय चैनल। जैसे इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इसकी स्टिचिंग जो है ये बताई थी, अब यहाँ पे मैं इसकी इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग दिखाई थी, अब इसकी हम स्टिचिंग देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कपड़े के ऊपर इस तरह से इसको गले को रखा है और अल्पिन से इसको पैक किया है। अब यहाँ पर हमें ये जो कैनवास पेपर है, कैनवास पेपर के ऊपर हमें ये सिलाई लगानी है। अभी गले के ऊपर हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है। इसके साइज का हमें कपड़ा कट करना है। यहाँ पे भी हमें इसके साइज का जो कपड़ा है, एक्स्ट्रा जो कपड़ा है, इसको हमें कट करना है। जैसे आधा इंच कपड़े गले के साइड से कपड़े को छोड़ देना है, बाकी का जो कपड़ा है इसे हमें कट करना है। इस तरह से हमने ये गला तैयार किया है। अंदर के साइड में भी आधा इंच कपड़े को छोड़ देना है और इसे जो है इसे हमें बाकी का कपड़ा जो है इसे हमें कट करना है। इस तरह से पूरे गले के ऊपर आधा इंच कपड़े को छोड़ के इसकी हमें कटिंग करनी है। अब यहाँ पे कटिंग करने के बाद इस तरह से गले को फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें इसके ऊपर निशान लगाना है। गले के ऊपर निशान लगाते हैं, जैसे इसका सेंटर, गले का सेंटर हमने निकाला है और इसके ऊपर हमने ये निशान लगाया है। उसके बाद जो गले की कटिंग हमने की थी इस तरह से, अभी यहाँ पे हमने गले के ऊपर इसको अटैच किया है। जैसे हमने अल्पिन से इसको पैक किया है, ये जो गला है अल्पिन से इसको पैक करना है। इसके जो कॉर्नर्स हैं अच्छे से इसको पैक करना है और इसके ऊपर किनारी पे हमें ये सिलाई लगानी है। इस तरह से अल्पिन से इसको पैक किया है। अभी यहाँ पे हमें कैनवास के साइड से हमें ये सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमें इस तरह से इसको लेना है।
कॉर्नर्स में सुई को हमें अंदर रखना है और इसे इस तरह से हल्के हाथ से इसको घुमा के फिर यहाँ पे हमें इस तरह से लेना है। इस तरह से हमने ये गला जो है वो तैयार किया है। अभी यहाँ पे हमें ये जो कॉर्नर्स है कॉर्नर्स में इस तरह से इसको इस तरह से कट लगाने हैं। यहाँ पे हम गोलाई में कट लगाएंगे और यहाँ पे हम कॉर्नर्स में भी अच्छे से कट लगाते हैं। इस साइड में भी हमें ये कट लगाने हैं। यहाँ पे भी हमें कॉर्नर्स में ये कट लगाने हैं। अब गले को अंदर के साइड में इसको फोल्ड करेंगे। और इसके ऊपर हमें ये सिलाई लगानी है। पूरे गले को अंदर के साइड में इसको फोल्ड करना है। इस तरह से हमें ये पूरे गले के ऊपर हमें फोल्ड करना है। इस तरह से हमने गले को अंदर के साइड में इसको फोल्ड किया है। आप यहाँ पे तुरपाई चाहिए तो तुरपाई लगा सकते हैं और सिलाई चाहिए तो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंदर के साइड में इसको फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैंने आपको ये इसके बीच का पैच जो था वो कट करके आपको दिखाया था। इसके साइज का मैंने कपड़ा लिया है, इस तरह से ये दो कपड़े लिए हैं और यहाँ पे मैंने इसके बीच का जो पैच है वो लिया है। अब यहाँ पे हमें ये बीच का पैच जो है वो तैयार करना है। अभी यहाँ पे हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अभी यहाँ इस तरह से इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट करना है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा था इसको हमने कट किया है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे इसको अंदर के साइड में इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमें पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगानी है।
इस तरह से हमने ये तैयार किया है। अभी यहाँ पे हमें ये जो कैनवास पेपर है, कैनवास के ऊपर हमें ये सिलाई लगानी है इस तरह से। अभी यह एक्स्ट्रा जो कपड़ा है, जो सिलाई हमने लगाई है, एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करेंगे इस तरह से। हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको कट किया है। अभी यहाँ पे हमें ये जो गला है ये इस तरह से रखना है। इस तरह से रख के इसे हमें अल्पिन से इसको पैक करना है। अल्पिन से इसको पैक करने के बाद फिर इसके ऊपर हमें ये सिलाई लगानी है। यहां पे भी ये अल्पिन लगाते हैं। इस तरह से अब यहां पे हमें इसके ऊपर ये सिलाई लगानी है। अब ये अल्पिन जो लगाई थी इसको हम निकालते हैं। इस तरह से हमने ये पैच जो है वो लगाया है। अभी यहाँ पे हमें नीचे के साइड से हमें ये पाइपिंग करनी है।
यहाँ पे हमें अंदर के साइड में इसको फोल्ड करना है। यहाँ पे हमने नीचे के साइड में ये पाइपिंग जो है वो लगाई है। इस तरह से मैंने ये नेक तैयार करके दिखाए हैं। ये बीच में हम ये पैच जो है वो लगाने वाले हैं। आप चाहे तो इसको बीच में पट्टी भी लगा सकते हैं, तो लेस चाहिए तो लेस भी लगा सकते हैं ऊपर के साइड में भी। जैसे यहाँ पे आपको इस तरह से लेस चाहिए तो आप इस तरह से लेस भी लगा सकते हैं ऐसे, नहीं तो यहाँ पर आप गले के ऊपर भी, यहाँ से आप गले के ऊपर भी इस तरह से ये चाहिए तो आप इस तरह से ये लेस भी लगा सकते हैं। पूरे गले के ऊपर राउंड शेप में आपको लेस लगानी है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा नेक तैयार करके दिखाया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।